संजू सैमसन का तूफानी रिकॉर्ड, कारनामा करने वाले 17 साल के इतिहास में सिर्फ दूसरे भारतीय बने। बहुत लंबे इंतजार के बाद संजू के बल्ले से आखिरकार शतक निकला और जब आया तो पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मच गया। बांग्लादेशियों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जाते जाते उन्हें ऐसी विदाई मिलेगी जो उनके माथे पर बड़ा कलंक छोड़ जाएगी। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शनिवार को संजू सैमसन ने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया कि हर कोई उसमें बह गया। बांग्लादेशी गेंदबाज संजू के बल्ले की मार से बेहाल थे और हजारों फैंस उसकी बेजोड़ बल्लेबाजी से मंत्रमुग्ध हो गए। संजू ने ऐसा शतक ठोका जो पिछले 17 साल के T20 इतिहास में सिर्फ एक और भारतीय बल्लेबाज ही उनसे बेहतर अंदाज में बना सका है। इस फॉर्मेट में सबसे तूफानी शतक लगाने वाले संजू सैमसन अब सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए हैं। संजू ने मात्र 40 गेंदों पर 8 छक्के और 9 चौके लगाते हुए शतक जड़ा, मतलब जमीन पर कम हवा में ज्यादा मारा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहतरीन कलाकार मंच पर सितार बजा रहा हो। संजू के बल्ले से संगीत लगातार बजता रहा और फैंस झूमते रहे। संजू ने चौकों और छक्कों से ही 84 रन बना डाले और जब मेहदी हसन के फेंके गए 12वें ओवर की पहली गेंद पर संजू ने चौका मारकर शतक पूरा किया तो वह भारतीय T20 इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा के नाम था, जब उन्होंने 2017 में इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर शतक जड़ा था। उस मैच में रोहित ने अपनी 118 रनों की पारी में 10 छक्के और 12 चौके मारे थे और अब रोहित के बाद इस मामले में संजू सैमसन दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।